सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दावा है कि एक परिवार के सदस्य आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में 25 किलो सोना पहनकर पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। तिरुमाला में देवता को सोना चढ़ाने की परंपरा भी चली आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब एक परिवार के 3 सदस्य भारी भरकम सोना धारण करके मंदिर परिसर में पहुंच गए। महाराष्ट्र से एक परिवार तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने पहुंचा। पुणे का ये परिवार 25 किलोग्राम सोना पहनकर यहां आया। जी हां, सही सुना आपने। सोना इतना कि कोई इसका शौकीन भी होगा तो वो भी शर्मा जाए। वहां पर आए श्रद्धालु उन्हें देखकर दंग रह गए, जो लाजमी भी था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 शख्स और 1 महिला है। दोनों पुरुषों ने अपनी गर्दन को सोने की मोटी जंजीर से ढका था। दोनों ने ब्रांडेड धूप का चश्मा भी पहना हुआ है। महिला भी सोने के आभूषण पहनकर आई है। उनके साथ एक बच्चा भी आया है। सोना और सोने से बने हुए आभूषण पहनना हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और लोग इसका प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कहा जा रहा है कि गुरुवार को ये परिवार तिरुमाला आया, जिसके बाद परिवार ने मंदिर में दर्शन किए। तिरुमाला मंदिर तीर्थयात्रियों से सोने का प्रसाद प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इस पवित्र स्थल पर आने वाले श्रद्धालु अक्सर आभूषणों का प्रदर्शन करते हुए भी देखे जाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने के संकेत के रूप में सोना और दूसरी कीमती सामान चढ़ाया जाता है। वेंकटेश्वर के पास बेशकीमती गहने और हीरे हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।